हेलो स्टूडेंट्स, मौजवी एनक्लेक्स क्वेश्चन नंबर 72, सब्जेक्ट साइकेट्री एंड 19th एडिशन। लेट्स स्टार्ट। ए क्लाइंट इज रिसीविंग लिथियम कार्बोनेट व्हाइल दिस मेडिकेशन इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड। इट इज इम्पोर्टेंट दैट द नर्स रेस्ट्रिक्ट द क्लाइंट डेली सोडियम इन टेस्ट द क्लाइंट यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी वीकली मॉनिटर द क्लाइंट ड्रग ब्लड लेवल रेगुलरली विदहोल्ड द क्लाइंट अदर मेडिकेशंस फॉर 1 वीक। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सोचिए और एलिमिनेट कीजिए जल्दी से। शुरू करते हैं। एक क्लाइंट है जिसको लिथियम कार्बोनेट चल रही है, तो सबसे पहले तो लिथियम कार्बोनेट, और ये लिथियम कार्बोनेट एडमिनिस्टर करते समय नर्स को क्या याद रखना चाहिए या क्या इम्पोर्टेंट है इन चारों में से। सोडियम इनटेक डेली रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करेंगे वीकली, ड्रग ब्लड लेवल सीरम लिथियम लेवल चेक करेंगे और अदर मेडिकेशंस को 1 हफ्ते के लिए विदहोल्ड कर देंगे। सबसे पहले लेस इम्पोर्टेंट को हटाते हैं। विदहोल्ड कोई भी मेडिकेशन हम नहीं करेंगे अनलेस प्रेस्क्राइब्ड, जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, तो ये ऑप्शन हो गया आपका गलत। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी वीकली जैसी कोई चीज़ आपने कभी पढ़ी नहीं होगी लिथियम से रिलेटेड। मे और मे नॉट बी चेक, तो इसका कोई रिलेशन इससे नहीं है। अब बचे दो जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, मैं आपको बता दूँ। सोडियम ट्रांसपोर्ट को न्यूरोनल पाथवे से अल्टर लिथियम जरूर करता है, लेकिन या मैं इसको और इजी भाषा में बोलूं, सोडियम ट्रांसपोर्ट की वजह से कैटाकोलेमाइन लेवल को चेंज जरूर करता है लिथियम। बट आप इस वर्ड पे फोकस करें, डेली सोडियम इंटेक जो हम लोग करते हैं अगर उसी को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाएगा। तो एज यूजुअल चलने देना है, ना बढ़ाना है ना घटाना है। राइट आंसर इज माइनर अमाउंट में भी लिथियम की डोज अगर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो लिथियम टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ब्लड लेवल या ब्लड सीरम लिथियम लेवल हम रेगुलरली चेक करेंगे। द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। ध्यान दीजिए। ए क्लाइंट इन द हाइपर एक्टिव फेज ऑफ मूड डिसऑर्डर बाइपोलर टाइप इज रिसीविंग लिथियम कार्बोनेट। द नर्स आइडेंटिफाई दैट क्लाइंट लिथियम ब्लड लेवल इज 1.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द नर्स टू कंटिन्यू द यूजुअल डोज ऑफ लिथियम एंड नोट एनी एडवर्स रिएक्शन। डिसकंटिन्यू द ड्रग until the level drop to 0.5 milli equivalent per liter. Ask the physician to increase the dose because the level is too low and hold the drug and notify the physician because the level is toxic level. Easy question है, सोचिए जल्दी से आंसर सेलेक्ट कीजिए, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन क्योंकि ये ईजी है। शुरू करते हैं। एक हाइपर एक्टिव क्लाइंट है जिसे मूड डिसऑर्डर है, और मूड डिसऑर्डर में भी क्या दे रखा है, बाइपोलर टाइप है। अब ये बाइपोलर क्या होता है, ये मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है मूड डिसऑर्डर पे, आप प्लेलिस्ट में जाके साइकेट्रिक वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो बाइपोलर टाइप है और उसको क्या मेडिसिन चल रही है, लिथियम कार्बोनेट चल रही है। लिथियम कार्बोनेट का ब्लड लेवल जो आया है वो है 1.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इस समय क्या इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नॉर्मल लेवल याद है जो कि हम ये मान के चलते हैं जनरली, ठीक है, यूजुअली हम ये बात नहीं कर रहे कि प्रोफाइल एक्टिव क्या है,
प्रिवेंटिव क्या है या थेरापूटिक क्या है, अक्यूट फेज में कितना है या बाइपोलर के लिए कितना है, वो हमारा क्वेश्चन नहीं है। बस आप जनरल अभी याद रख लें कि ये हम मान के चलते हैं 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो अ कंटिन्यू द यूजुअल डोज 1.8 आ रहा है उसका लेवल, लिथियम लेवल, और हम कंटिन्यू चल लेते हैं दवाई लिथियम की, नहीं, ऑलरेडी ज़्यादा आ रहा है, कंटिन्यू हम दवाई डोज नहीं दे सकते। थर्ड हटाओ, आस्क द फिजिशियन टू इंक्रीज द डोज। एक तो पहले ही लेवल ज़्यादा आ रहा है 1.8, लास्ट रेंज कितनी है 1.2, और इंक्रीज द डोज के लिए हम फिजिशियन को बोलेंगे, ऐसा हो सकता है? गलत आंसर। तो ये दोनों तो अनसेफ हो गए। डिसकंटिन्यू द ड्रग, ड्रग को रोक देंगे अनटिल द लेवल ड्रॉप टू 0.5 मिलीक्विवेलेंट। कब तक रोक देंगे? जब तक कि लेवल कितना ना आ जाए 0.5 तक। ये तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, नॉर्मली हम इतना मान रहे हैं, तो लेवल रिज्यूम्ड तो होने दें पहले, इतना कम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी आंसर हो गया गलत। हम ड्रग को डिसकंटिन्यू तो करेंगे, हम होल्ड द ड्रग तो करेंगे, तुरंत नोटिफाई भी करवाएंगे फिजिशियन को, बिकॉज द लेवल इज़ टॉक्सिक। क्योंकि ये लेवल क्या है? टॉक्सिक लेवल है। नॉर्मल लेवल की रेंज हम 1.2 तक मान के चल रहे हैं। वैसे मॉसबी के अकॉर्डिंग नॉर्मल रेंज 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, ठीक है, तो तब भी टॉक्सिक है। तो राइट आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का? फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, और एक और डायरेक्ट क्वेश्चन। द नर्स अंडरस्टैंड दैट न्यूरोलेप्टिक्स आर ड्रग ऑफ चॉइस टू रिलीव सिम्टम्स ऑफ। ऐसे क्वेश्चन मौजूद में रेयरली मिलते हैं, आपकी आज किस्मत अच्छी है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। न्यूरोलेप्टिक्स ड्रग ऑफ चॉइस टू रिलीव सिम्टम ऑफ साइकोसिस, डिप्रेशन, एक्सेसिव एक्टिविटी एंड नार्कोटिक विड्रॉल। गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही कम समय दूंगा। स्टार्ट। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। चलिए, न्यूरोलेप्टिक्स ड्रग ऑफ चॉइस हैं किस तरह के सिम्टम को रिलीव करने के लिए? नारकोटिक विड्रॉल हटा दें, नारकोटिक दवाइयाँ के जब विड्रॉल सिम्टम आते हैं तब हेलुसिनेशंस, इल्यूजन्स हो सकते हैं, बट वहाँ ड्रग ऑफ चॉइस एंटी एंजाइटिक, बेंजोडाइजेपाइंस वगैरह होती हैं, ना कि न्यूरोलेप्टिक्स। एक्सेसिव एक्टिविटी किसकी बात हो रही है? ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, उसमें साइकोसिस की दवाइयाँ दी जा सकती हैं, बट ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। डिप्रेशन की ड्रग ऑफ चॉइस एंटी डिप्रेसेंट होती हैं, तो न्यूरोलेप्टिक्स क्या करती हैं? न्यूरोलेप्टिक्स हमारे न्यूरोकेमिकल्स को मेंटेन करती हैं, और इस वजह से जो बिजारे बिहेवियर होता है, बिजारे विचित्र जो व्यवहार होता है, अग्रेशन, चीखना, चिल्लाना, चीज़ें दिखाई देना, कानों में से आवाज़ें आना, इल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस या परसेप्शन वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, या जो ये बिजारे बिहेवियर है, इसको ठीक करती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि न्यूरोलेप्टिक इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर साइकोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, MCQ नंबर 75, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, एक और डायरेक्ट क्वेश्चन। द नर्स अंडरस्टैंड दैट द कॉमन मैनेजिएबल साइड इफेक्ट ऑफ न्यूरोलेप्टिक्स इज। कॉमन मैनेजिएबल साइड इफेक्ट न्यूरोलेप्टिक्स का है डायरेक्ट, बट हो सकता है आसान नहीं हो। जॉइंडिस, मेलेनोसाइटोसिस, ड्रूपिंग आईलिड्स, अनइंटेंशनल ट्रेमर्स। जल्दी से सोच लें, टाइम स्टार्ट्स नाउ। एलिमिनेट करें, कॉमन मैनेजिएबल साइड इफेक्ट ऑफ न्यूरोलेप्टिक्स। शुरू करें, कम समय इसलिए क्योंकि अगर आपने गाइड्स वगैरह पढ़ रखी हैं तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कौन सा न्यूरोलेप्टिक्स का साइड इफेक्ट इनमें से मैनेज किया जा सकता है? सबसे पहले जॉइंडिस को हटा देते हैं, लिवर टॉक्सिसिटी की बात हो रही है, दैट इज नॉट अ कॉमन साइड इफेक्ट, दैट इज अ रेयर एंड टॉक्सिक साइड इफेक्ट, तो ये कॉमन साइड इफेक्ट नहीं है। मेलेनोसाइटोसिस,
मेलेनोसाइटोसिस, मेलेनोसाइट्स की संख्या बढ़ जाना, ऐसा तो आपने कभी न्यूरोलेप्टिक साइड इफेक्ट में सुना ही नहीं होगा। गलत जवाब। ड्रूपिंग आईलिड एंड अनइंटेंशनल ट्रेमर, क्या लग रहा है? फोर्थ और थर्ड। ड्रूपिंग आईलिड इज नॉट रिलेटेड विद न्यूरोलेप्टिक साइड इफेक्ट्स। ट्रेमर पे फोकस करें पहले, तो जैसे ही आप ट्रेमर पे फोकस करेंगे आपको क्या दिमाग में आ जाएगा? पार्किंसोनियन या न्यूरोलेप्टिक इंड्यूस पार्किंसोनिज्म। 40-45% केसों में EPS आते हैं, ये आपने पढ़ा होगा थ्योरी, अगर आपने पढ़ी है तो उन्हें रिकवर किया जा सकता है, हमारे पास उनकी दवाइयां हैं। तो अनइंटेंशनल ट्रेमर्स जो आते हैं उन्हें मैनेज किया जा सकता है न्यूरोलेप्टिक्स के साइड इफेक्ट को। राइट आंसर इज डी। आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।